तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए नवरात्रि स्पेशल आलू लच्छा नमकीन बनाने वाला हूँ। तो इसमें मैंने क्या क्या लिया है, मैंने 4 आलू लिए हैं। आलू आप किसी भी साइज का ले सकते हैं, और मैंने इनको छील के पानी में डाल लिया है। पानी में डालने से ये होगा कि आलू हमारे काले नहीं पड़ेंगे। और मैंने कुछ बादाम लिए हैं, और लगभग 1 कटोरी मैंने ये कच्ची मूँगफली ली है, ये नॉर्मल मार्केट में मिल जाती है आपको। तो कुछ हरी मिर्च ली है जिसको मैंने काट लिया है थोड़े बड़े बड़े पीसों में, और ये कड़ी पत्ता लिया है, और सेंधा नमक लिया है, और ये काली मिर्च का पाउडर लिया है। तो मैं आपके लिए बनाना स्टार्ट करता हूँ ये। तो सबसे पहले क्या करना है, जो मैंने आलू ये छील के रखे हुए हैं, तो इसको मैं कद्दूकस करने वाला हूँ। कद्दूकस हमें बड़ी साइज से करना है, आप देख रहे हैं इस बड़ी साइज से मैं कद्दूकस करना है इसको। तो मैं इसको आलूओं को सारा कद्दूकस कर लेता हूँ। तो मैंने एक बर्तन में ये साफ पानी लिया है, और अब क्या करना है, मैं अपने आलू कद्दूकस करूँगा। और आलू जो कद्दूकस करना है वो इसी पानी के अंदर करना है, साफ पानी के अंदर। तो इस तरीके से आलू के हम लच्छे बना लेंगे। तो मैं सारे आलू कद्दूकस कर लेता हूँ, और इसको पानी में डाल के ही रखना है, पानी से अभी बाहर नहीं निकालना है। तो आप देख रहे हैं मैंने अपने सारे आलू कद्दूकस कर लिए हैं। तो इसी तरीके से सारे आलू कद्दूकस करने हैं। और अब क्या करना है, इसको मैं कई बार पानी से धुलने वाला हूँ। जी हाँ, इसको आप अच्छी तरह से कई बार धुलिए, लगभग 5 से 6 बार इसको अच्छी तरह से साफ पानी में धुलना है। तो मैं इसको धुल लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल इसको साफ कर लिया, अच्छी तरह से मैंने 2-3 बार धुला है इसको। अब क्या करना है, मैंने एक बिल्कुल साफ सा टॉवल लिया है, आप कोई भी कॉटन कपड़ा यूज कर सकते हैं जो आप किचन में यूज करते हैं, साफ होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इसको हम व्रत में यूज करने वाले हैं। तो अब क्या करना है, इसको मैं इस तरीके से इस पर बिखेर दूंगा। इस तरीके से इसका पानी बिल्कुल सुखाना है, जो इसमें पानी दिख रहा है आपको, जो पानी सुखाने के लिए इस तरीके से मैं कॉटन का टॉवल यूज कर रहा हूँ। आप कोई भी साफ कपड़ा यूज करते हैं, बिल्कुल धुला साफ होना चाहिए। इस तरीके से करके टॉवल को ऊपर से हम अच्छी तरह से इसका पानी सुखाना है बेसिकली हमें अच्छी तरह से, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल पानी सूख गया है, और हमारे लच्छे बिल्कुल रेडी हैं फ्राई करने के लिए। तो मैंने एक कढ़ाई में ऑयल लिया हुआ है, ऑयल को मैं थोड़ा गर्म कर लेता हूँ, और ऑयल को मीडियम गर्म करना है, ना ही ज़्यादा तेज गर्म करना है, ना ही ज़्यादा लो गर्म करना है। ऑयल को मैं मीडियम गर्म करने वाला हूँ। तो हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको। हाँ, ऑयल गर्म हो गया हमारा, आप देख रहे हैं ये ऊपर आ गया तैर के। तो सबसे पहले मैं अपनी मूंगफली फ्राई करने वाला हूँ। इस तरीके से एक सबसे पहले मैं अपनी मूंगफली फ्राई करूँगा।
तो मैंने मूंगफली को एक स्टेनर में लिया हुआ है और इसको एक चम्मच की सहायता से मैं इस तरीके से इसको मूंगफली को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। आप देख रहे हैं वो सारी मूंगफली फ्राई हो रही है, हमारी मूंगफली फ्राई हो गई है। तो अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। फिर मूंगफली फ्राई होने के बाद इस तरीके से हम, ये मैंने एक बर्तन लिया हुआ है जाली वाला, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो हमारा नीचे निकल जाएगा। तो अब क्या करना है, अब मैं अपने जो मैंने ये बादाम लिए थे, ये बादाम भी इसी तरीके से फ्राई करने वाला हूँ। तो मैं बादाम भी इसी तरीके से फ्राई कर लूँगा। तो हमारे बादाम भी फ्राई हो गए हैं, अब बादाम को भी निकाल लूँगा मैं। अब इसी तरीके से मैंने जो हरी मिर्च और कड़ी पत्ता लिया था इसको भी फ्राई कर लेता हूँ मैं। तो चलिए अब हमने लच्छा तलना स्टार्ट करते हैं, हम लच्छा फ्राई करते हैं अपना। तो इस तरीके से अब हम लच्छे को ऑयल में डालने वाले हैं। गैस को थोड़ा स्लो रखें, मेरा थोड़ा गैस तेज था, आप थोड़ा गैस को स्लो रखें। और इसी तरीके से इसको हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो हमारा लच्छा हल्का ब्राउन हो गया है, आप चाहें तो इसको एक बार देख सकते हैं, थोड़ा सा करारा हो गया ये। तो अब क्या करना है, अब इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो इसमें भी मैं यही छलनी यूज करने वाला हूँ इस तरीके से, क्योंकि इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा ऑयल आएगा तो ऑयल निकालना बहुत ज़रूरी है। इसको भी मैं उधर ही रखने वाला हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो निकल जाए हमारा। और मैं बाकी अपने बचे हुए भी लच्छे सेक लेता हूँ एक बार। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा लच्छा रेडी हो गया है, बहुत ही कितना सुंदर लग रहा है। और हमारे मूंगफली और बादाम भी मैंने फ्राई कर लिए हैं, बट एक कॉमन सी प्रॉब्लम है कि इसमें थोड़ा सा ऑयल है। नॉर्मल हम घर में जो नमकीन बनाते हैं उसमें यही प्रॉब्लम रहती है ऑयल कि उसमें ऑयल दिखता है हमें। तो चलिए मैं इसका ऑयल भी ख़त्म कर लेता हूँ। तो क्या करना है, मैंने कुछ टिश्यू पेपर लिए हैं, तो हम इस नमकीन को टिश्यू पेपर पर डाल के, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो हमारा टिश्यू पेपर में लग जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम टिश्यू पेपर से साफ करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है इसको मैं टिश्यू पेपर में लगा के साफ कर देता हूँ। इसी तरीके से मैं अपने लच्छे का ऑयल निकालने वाला हूँ, इसको भी टिश्यू पेपर में बिखेर लूँगा इस तरीके से। तो जो भी इसका भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर में चला जाएगा। तो इसको इस तरीके से फैलाने के बाद टिश्यू पेपर पे, मैं एक टिश्यू पेपर को हाथ में लिया है और इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा हमारा सारा टिश्यू पेपर में आ जाएगा, आप देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे लच्छे से बिल्कुल ऑयल गायब हो चुका है और हमारे लच्छे में ऑयल नहीं है। चलिए अब मैं नमकीन बनाना स्टार्ट करता हूँ मैं।
तो मैंने एक इस तरीके का बाउल लिया है। तो सबसे पहले इसमें मैं जो मैंने ये मूंगफली ली थी ये डाल लेते हैं, और अपना जो भी लच्छा है ये भी डाल लेता हूँ मैं इसमें। तो मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें हम अपने नमक और मसाले डालेंगे। तो जो मैंने ये सेंधा नमक लिया था, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, आपको जितना डालना है। एक बार बनाने के बाद टेस्ट करके नमक को आप दोबारा ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और मैंने ये जो काली मिर्च का पाउडर लिया था तो ये मैं थोड़ा डाल देता हूँ। इसको भी आप स्वाद के अनुसार चेंज कर लीजिए। और ये जो मैंने कड़ी पत्ता और हरी मिर्च फ्राई की थी ये भी मैं डाल देता हूँ, और मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देता हूँ। तो हमारे आलू लच्छे की नमकीन बनकर रेडी हो गई है फ्रेंड्स। तो आप ये नवरात्रि में व्रत में खा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और आप इसको कई दिन तक स्टोर कर सकते हैं, तो आप 9 के 9 दिन चला सकते हैं इसको। तो एक बार बना के रख लीजिए आप इसको और 9 के 9 दिन खाइए। तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ आपसे मैं। थैंक यू।